चाचा से मिलने आए युवकों का सेंट्रल जेल के रिवा परिसर से बैग हुआ चोरी। बैग के अंदर 4 मोबाइल और जरूरी कागजात युवकों ने अमैया थाने में दर्ज कराई शिकायत। बड़ा सवाल, सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाले जगह से कैसे हुई चोरी? चाचा से मिलने आए युवकों का सेंट्रल जेल रीवा के परिसर से बैग चोरी। बैग के अंदर 4 फोन और जरूरी कागजात युवकों ने अमैया थाने में कराई शिकायत दर्ज। बड़ा सवाल, सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाली जगह से बैग कैसे चोरी हो? रीवा के सेंट्रल जेल से अपने चाचा से मिलने आए 3 युवकों के 4 मोबाइल सहित बैग चोरी हो गए। युवक पहुंचे अमैया थाने, पुलिस ने चोरी की जगह गुम होने की रिपोर्ट लिखी। ऐसा युवकों का आरोप। किसी भी शहर के सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाले इलाके सेंट्रल जेल के आसपास के होते हैं। यह इलाका हमेशा ही तीसरी आंख की नजर पर रहता है। इस इलाके में तमाम तरीके के अपराधी जेल के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए यहां पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम होते हैं। बीते दिनों सतना से अपने चाचा से मिलने आए थे 3 युवक। जेल परिसर के अंदर एक जगह पर सभी के बैग रखे हुए थे। युवकों ने भी अपने बैग वहीं पर रख दिए। जेल के अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से युवकों ने अपने मोबाइल फोन को भी बैग के अंदर डाला और अपने चाचा से मिलने जेल के अंदर चले गए। लौट कर देखने पर युवकों का ना तो अपना बैग मिला, ना ही उसके अंदर रखा मोबाइल। एक्चुअल में हम लोग आए थे मुलाकात करने अपने चाचा जी से यहाँ पे सेंट्रल जेल रीवा में। तो क्या हुआ कि हम जब एंटर मार रहे थे वहाँ पे, तो हमारा सामान वगैरह वहाँ रखाया गया। तो हम 3 लोग थे, हमारा एक फ़ोन ऑलरेडी बैग में पड़ा हुआ था, उसमें सिम नहीं थी, इसके लिए हमने बैग में डाल दिया था। और उसके बाद हमने अपना फ़ोन, अंदर एंट्री नहीं है, अलाउड नहीं है फ़ोन लेके जाना, तो वो बैग में 4 फ़ोन डाल दिए और वहाँ पे बाहर रख के चले गए। अभी क्या हुआ कि वहाँ पुलिस वाले थे और उनके ही सामने हमने सबके बैग वहाँ रखे हुए थे, हमने भी रख दिया और अंदर मुलाकात के लिए चले गए। और जब वहाँ से हम मुलाकात 30-35 मिनट बाद मुलाकात से रिटर्न आए, तो वहाँ देखे कि हमारा बैग था ही नहीं, हमारा बैग गायब हो चुका था। बैग के अंदर जितने सामान थे, मतलब पूरा बैग ही गायब हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसमें थे। बैग में 4 फ़ोन थे, उसमें 4 फ़ोन थे, दो रेडमी के थे, 3 रेडमी के थे और एक रियलमी का फ़ोन था, और 2 वन प्लस के नेक बैंड थे। इसके बाद अभी वहाँ जेलर से बात करने की कोशिश की, हाँ की, तो उनसे बोले कि हमें रिकॉर्डिंग दिखा दो, तो उन्होंने बोला कि जिसके पास रिकॉर्डिंग है वो अभी है नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अपने चाचा जी को भी शायद फ़ोन लगा के हमने कल बोला था कि वो करे वहाँ से संपर्क, तो बोले कि यहाँ पे इधर का कैमरा नहीं है, वो बाहर वाला कैमरा लोकल थाने का है, जो बाहर कैमरा लगा हुआ है, वहाँ अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है, पर शायद लोग बोल रहे हैं कि ये बंद है कि क्या है। हम 3 लोग मिलने गए थे, हाँ अमैया थाने में परसों आए थे, उसी दिन आए थे, तुरंत आए थे दर्ज करवाने, ये परसों की है, उसी दिन की, और उसी दिन आए थे, तो FIR दर्ज नहीं किया गया यहाँ पे। और मतलब हमने बोला था कि चोरी हुई है, पर चोरी के जगह पे इसमें लिख दिया गया है कि गुम हुआ है ना, कि FIR दर्ज ना हो इसके लिए। और